हेलो लर्नर्स, वेस्ट बंगाल बोर्ड के तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा, स्किप करके देखिएगा, तो ये इस चीज़ को आप नहीं समझ पाइएगा। बहुत ही बिग अपडेट एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेस्ट बंगाल बोर्ड के तरफ से सिलेबस को लेकर। अब ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सअप किए कि सर, ये जो नोटिस जारी हुआ है, ये थोड़ा सा इसको क्लियर आउट करिए कि इसमें बोला क्या गया है, क्या हमारा जो 2024 का सिलेबस है वो क्या चेंज हो चुका है। तो मैं बोलूँगा चेंज हुआ है, लेकिन किन के लिए चेंज हुआ है वो चीज़ के मैं आपको बारे में बताऊँगा कि किन स्टूडेंट के लिए सिलेबस चेंज हुआ है और किन स्टूडेंट के लिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। ये देखिए, ये जो वीडियो जारी है, जो नोटिस जारी हुआ है, ये आपका 6 तारीख को जारी हुआ है, 6/3, और आज 7 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, किनका सिलेबस चेंज होने वाला है या हुआ है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन आपका दे दिया गया है। क्या लिखा गया है नोटिस में, ध्यान दीजिएगा कि ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज गिवन अस द परमिशन वाइड मेमो नंबर, यहाँ पे मेमो नंबर बता रहा है, ये ऐसे ऑफिशियल नोटिस में ये मेमो नंबर दिया रहता है, डेट ये 6/3/2024 टू इंट्रोड्यूज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टू इंट्रोड्यूज द सेमिस्टर सिस्टम एट द हायर सेकेंडरी लेवल फ्रॉम द एकेडमिक सेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, एकेडमिक सेशन वाली जो बात है, तो किन के लिए है एकेडमिक सेशन 2024-25 फॉर क्लास 11। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, अभी अभी 11 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उनका जो 12 में वो चले गए हैं, 12 वालों का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और जो अभी 11 का एग्ज़ाम दिए हैं वो कहाँ चले गए, 12 में, और उनका एकेडमिक सेशन क्या हो गया, 2024-25 ही है, लेकिन वो 11 में नहीं रहेंगे, वो 12 में चले गए हैं, 11 वाले जो अभी स्टूडेंट हैं। ये 11 में कौन जाने वाला है, जो अभी 10 का एग्ज़ाम दिया है, 10 का रिज़ल्ट आपका आएगा मई के लास्ट तक, और वो लोग 11 में जाएंगे जून में, तो उनका सेशन क्या होगा 2024-25, और जो अभी 11 में था वो तो 12 में चला जाएगा, एग्ज़ाम तो दे चुका ना 11 का, या किसी का 2-4 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू होगा, या 1-2 पेपर बाकी है। तो ये आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ये सिलेबस चेंज किया गया है जो अभी 10 से 11 में जाएंगे, अभी 10 का एग्ज़ाम दिए हैं उसको पास करके वो लोग 11 में जाएंगे, तो उनके लिए सिलेबस ये चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपका सेशन 2024-25 फॉर क्लास 11, जो 2024-25 में 11 में रहेगा, ओके। आप तो 12 में चले गए हो, जो 11 वाले थे वो काफ़ी परेशान थे, 11 वाले स्टूडेंट, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड कंसिक्वेंटली फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2025-26 फॉर क्लास 12, अब जो 11 में 2024-25 में रहेगा वही तो 12 में जाएगा ना, आपका 25-26 में, और आप कहाँ चले गए हो, आप चले गए हो 12 क्लास में, तो ये आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, चेंज किसका होगा, जो अभी 10 से 11 में जाएगा, ओके। तो मैं क्लियर कर दिया, सिलेबस चेंज हुआ है और एग्ज़ाम के पैटर्न में भी चेंजिंग आया है। ये जो होगा कि द सिलेबस तो अभी बताया नहीं गया, बट चेंज हुआ है, ये बोला गया है कि ये एकेडमिक सेशन जो है ये चेंज होगा, द डिटेल्स सिलेबस एंड सेमिस्टर वाइज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी विल बी अपलोडेड, ये अपलोड किया जाएगा बाद में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे इसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं जल्द से जल्द आपको क्लियर आउट कर दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अभी 11 में नहीं हो, आपको 11 में रहा नहीं, सब 12 में चला गया है, ठीक है, तो उनका कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप अपने पुराने सिलेबस से ही पढ़िए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।